अस्सलामुअलैकुम, अदनान बाजवा फ्राम डीएम प्रॉपर्टी सेंटर। तो आज हम आपको विजिट करवाने वाले हैं सिटी हाउसिंग सियालकोट बी ब्लॉक में। ये शानदार घर जो कि पार्क फेसिंग है, बिल्कुल पार्क के सामने है। यह है जनाब की खूबसूरत पार्क, जहां पर आप अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ बिल्कुल खूब खुशगवार मौसम का जो है वो मज़े लुत्फ उठा सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। और साथ ही ये घर मौजूद है जनाब फार सेल के लिए, अवेलेबल है सिटी हाउसिंग सियालकोट बी ब्लॉक में। फिल्टर पास इसके मिलेगा आपको और बेशुमार मस्जिद, पार्क, स्कूल, तमाम तर सहूलियत आपको बिल्कुल करीब तरीन मिलने वाली हैं। ये घर है, इस घर का फ्रंट एलिवेशन आपको दिखा दें तो 10 मरले का घर है, 35 फुट इसकी फ्रंट है और 65 फुट इसकी जो है वो लेंथ है, आपको लंबाई जो है वो 65 फुट मिलेगी। 10 मरले का घर है, फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। तो इस घर की अगर बात की जाए फ्रंट एलिवेशन की, तो इसमें ब्लैक कलर का जो मेन डोर है वो इस्तेमाल किया गया है, तीन हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है जो कि आप चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ ये इसका लॉन है, अभी तैयार हो रहा है, वो भी तैयारी के बाद आपको इसके नज़ारे जो है मिलने वाले हैं। तो साथ ही एंटर होते हैं इसके गैराज में, तो ये जनाब ये है इसका खूबसूरत गैराज जिसमें बआसानी दो गाड़ियां बिल्कुल खड़ी हो सकती हैं। और ये है उसकी गली, ओपन एरिया जो कि 10 मरला की ज़रूरत होती है वेंटिलेशन के लिए, आपकी विंडोज़ वगैरह जो हवादार रहती हैं। उसके बाद ये काफ़ी स्पेस है, एक गाड़ी यहाँ भी खड़ी हो सकती है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसको स्विमिंग पूल में तब्दील कर सकते हैं, आप इसको लॉन बना सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके मेन डोर की, तो मेन डोर जो है वो सारा लकड़ी के साथ तैयार किया गया है खूबसूरत तरीके के साथ। और ये है जनाब इसकी मेन एंट्रेंस, ये है इसकी फर्स्ट लॉबी। लॉबी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलने वाले हैं, एक ये ड्राइंग रूम के लिए, दूसरा मेन हॉल के लिए एंट्रेंस, ये भी ग्लास में है, ठीक है, टोटल इम्पोर्टेड ग्लास आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और उसी के साथ अगर इस तरह बात की जाए तो ये ऊपर के लिए सीढ़ियाँ सेपरेट, साथ ही नीचे ये पोर्टर रूम। अब आगे आ जाए, पहले स्टार्ट करते हैं जनाब इसके ड्राइंग रूम से। तो ये है इसका खूबसूरत ड्राइंग रूम जिसकी अगर बात करें तो इसमें वुडन फ्लोर का जो है वो इस्तेमाल किया गया है, आजकल लकड़ी का ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा है, ठीक है। और ये है इसकी खूबसूरत पार्टीशन, पार्टीशन रखी गई है, ट्रांसपेरेंट है, आप इसको चाहे पर्दे लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं, फैमिली का प्राइवेसी का ख्याल रख सकते हैं। ऊपर बहुत ही खूबसूरत फनूस सीलिंग जिसमें ग्लास का बेशुमार इस्तेमाल किया गया है, वॉलपेपर का बड़े खूबसूरत कलर कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया है, जिसमें फायरवर्क आपको यहाँ पर मिलने वाली है, यहाँ पर आप सर्दियों घर में बैठकर अपने हाथ जो है ना वो सेक सकते हैं। तो ये है जनाब इसका खूबसूरत बड़ा सा हॉल, हॉल की अगर बात की जाए तो आपको थोड़ा व्यू दिखा दें, मीडिया वाल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इस मीडिया वाल के ऊपर आप बड़ी सी LCD लगा के अपनी मर्जी के मुताबिक अपने चैनल्स देख सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा कोई पाबंदी नहीं, मैं पहले बता दूँ आपको। और ये है जनाब इसका मास्टर किचन, अगर किचन की बात की जाए तो ये जनाब ट्रांसपेरेंट किचन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये है इसका स्लाइडिंग डोर, ठीक है, और ये क्वालिटीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली अब तक मेरे ख्याल से, ये बहुत ही शानदार तरीकाकार है। और इसका खूबसूरत किचन इतने अच्छे कलर के आप बात है, मैं इम्पोर्टेड और मैं बड़ा खुश हूँ जनाब। तो ये इसके ड्रॉज हैं, ठीक है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिलने वाली है। और ये इसके ऊपर हैं जो कि ऑटोमेटिक आपको यहाँ मिलने वाले हैं, चिमनी जो है वो खूबसूरत है, जो उसका जो चूल्हा आपको यहाँ पर मिलने वाला है ऑटोमेटिक है, टोटल ब्लैक कलर में इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा जनाब ये इसका सिंक है, सिंक ही कहते हैं इसको, हाँ वही है, ठीक है, जहाँ पर आप वॉशिंग मशीन और इसमें क्या कहते हैं इसको, ये क्या बात है, आजकल इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है क्योंकि मेहनत तो हमने करनी नहीं है, तो खैर टूटी को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो ये जनाब किचन है, यहाँ पर आपकी जो है वो फ्रिज वगैरह यहाँ पर आप रख सकते हैं, इस तरफ रख लें, इस तरफ रख लें, जहाँ भी रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा ये ओपन दरवाज़ा दिया गया बैक साइड के ऊपर, जहाँ से आपकी पीछे से जो है वो बैक साइड गली से रास्ते के से आप जो है वो सब्जियाँ फ्रूट यानी कि गेस्ट वगैरह अगर आपके में बैठे हुए हैं हॉल में, तो आप उनसे छुपा के जो भी चीज़ें वो यहाँ से इस दरवाजे से लेके आ सकते हैं। 10 मरले का घर है, इसमें नीचे आपको दो बेडरूम मिलने वाले हैं। दोनों बेडरूम की अगर बात की जाए तो पहला बेडरूम आपको यहाँ पर मास्टर बेडरूम मिलेगा। अगर इसके कबर्ड की बात की जाए तो कबर्ड जनाब आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको चार पल्ले मिलेंगे, 1 2 3, इसमें ये इसमें स्पेस ठीक ठाक है। उसके अलावा जनाब ये है, ये कपड़ों के लिए हैंगर के लिए, यहाँ भी ठीक है, ऊपर अपने बिस्तरे कंबल चंबल जो भी ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी बेड की वॉल है और ये जनाब इसका खूबसूरत वाशरूम है, अगर आपको वाशरूम दिखा दें, इसमें वैनिटी चेक कर सकते हैं आप, टाइल का कलर डिज़ाइन और क्वालिटी अपनी मर्जी के मुताबिक देख सकते हैं। और मेन जो पॉइंट है मैं आपको वो भी बता दूं, इसमें जितनी भी विंडोज़ लगी हैं। सेकंड हम जा रहे हैं जनाब बेडरूम नंबर 2 की जानब, जो कि इस वक्त हमारा जो ग्राउंड फ्लोर उसके ऊपर अवेलेबल है। वाइट कलर की टाइल इस्तेमाल की गई है, 2x2 नहीं है, 2.5x2 है, यानी कि इतनी बड़ी टाइल है।
और लाइट कलर है, लाइट कलर का ही वॉलपेपर है, ठीक है। सीलिंग डिजाइन कोई ओवर कलर बिल्कुल नहीं है इसमें। और जनाब सेफ्टी ग्रिल जो है वो अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल की गई है, साथ अल्मोनियम भी एक क्वालिटी का जो है वो लगाया गया। इसी के साथ अब चलते हैं जनाब स्क्वायर के ये मास्टर वाशरूम की जाने, तो मास्टर वाशरूम आपको दिखा दूँ। ये है जनाब इसका मास्टर वाशरूम, आपको चेक करवा दें। इसमें जो टाइल की क्वालिटी है, टाइल का जो साइज आपको नजर आ रहा है, ये तकरीबन कह लें कि 3 फुट बाई 2 फुट की टाइल है, बल्कि हो सके उससे ज्यादा हो। और ये जनाब इसका जो है हाइट जो है दरवाजे की ऑलमोस्ट 7 फुट रखी गई है, ठीक है। और इसी के साथ जनाब ये स्पेस है ड्रेसिंग एरिया की, और ठीक ठाक यहाँ पर आपको जो है वो स्पेस मिलने वाली है वाशरूम्स में, जिसमें आप चेक कर सकते हैं अपने जो ड्रेसिंग में है यहाँ पर इजीली सेफ रख सकते हैं, ठीक है। वैनिटी की जो क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, इसमें जो ग्लास का इस्तेमाल किया गया वो चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो कमोड हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, और नहाने के लिए शावर वो आपको नुक्कड़ में मिल जाएगा। जी हाँ, तो ये था इस घर का ग्राउंड फ्लोर, इसका रिव्यू हमने मुकम्मल कर लिया। अब चलते हैं जनाब हम इसके ऊपर वाले पोर्शन की जानिब, तो साथ ही ऊपर जाते ही आपको ये स्टील की ग्रिल दिखा दी। स्टील की ग्रिल है, अच्छी क्वालिटी की ग्रिल आपको यहाँ पर मिल रही है। साथ में ये हमेशा ये इसकी बड़ी क्वालिटी होती है, ये एक जो लगता है ना ये वाला, ठीक है, ये बड़ा खूबसूरत होता है, ये बड़ा मायने रखता है किसी भी घर में हो। तो ब्लैक कलर का ग्रेनाइट मार्बल जो है वो इस्तेमाल किया गया है, ये काफ़ी महंगा मार्बल है, अच्छी क्वालिटी का है, इसकी शाइन जो है वो बरकरार रहती है। और ये इसकी लॉबी है, लॉबी में अगर आप चेक कर सकते हैं तो टेरेस के लिए जो स्पेस है वो यहाँ से दी गई है। ये स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग आप इसको मूव कर सकते हैं, और विंडो अगर हम यहाँ से ओपन करते हैं तो जनाब ये है इस घर का टेरेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका टेरेस दिखाने वाले हैं, ये है इसका टेरेस, और ये आपको ये साइड दिखा दें ज़रा। तो इसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर भी जो घर हैं वो बने हुए हैं, रिहायशी एरिया बी ब्लॉक, बहुत शानदार ब्लॉक है सिटी हाउसिंग सियालकोट का। और ये खूबसूरत टेरेस है जिसको अच्छी डिज़ाइनिंग में जो है वो बनाया गया, तमीर किया गया, सेफ्टी का बेहतरीन ख्याल रखा गया। और इसके जो फ्रंट एलिवेशन आपको दिखा दें, इसमें स्टील और ग्लास का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल सामने अगर आपको दिखा दें, ये इसके सामने बिल्कुल पार्क है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का पार्क है बी ब्लॉक में। ऑलमोस्ट जितने भी पार्क हैं सभी इसी साइज़ के हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो साथ जो है वो विल्टर वाटर प्लांट है आपको नज़र आ रहा है, और उसके अलावा मस्जिद भी बिल्कुल करीब है, मार्केट भी पास ही है। बाकी आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। तो ये है जनाब ऊपर वाले पोर्शन के लिए स्टार्टिंग, जैसे ही आप एंटर होते हैं, एंटर होते ही आपको बहुत बड़ा हॉल मिलेगा यहाँ पर। हॉल का अगर व्यू दिखा दें, साथ ही उसी प्लेस के ऊपर आपको मीडिया वॉल मिलेगी, यहाँ पर आप बड़ी LCD LED जो भी चीज़ फिट करना चाहें वो फिट हो सकती है। इसको इस साइज़ के ऊपर मेंटेन किया गया है, और बिल्कुल साथ ही इसके आपको ओपन किचन मिलने वाला है। जैसे नीचे आपको किचन दिखाया था, ये किचन थोड़ा सा उससे छोटा है, वो किचन काफ़ी बड़ा था, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादातर होता है कि फैमिली इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ऊपर जो है किचन हमें नॉर्मल दिया जाता है। और साथ ही अगर इसकी बात की जाए तो ऊपर वाले पोर्शन में आपको 1, 2 और ये 3 बेडरूम जनाब आपको ऊपर वाले पोर्शन पे मिलेंगे, 2 बेडरूम नीचे, टोटल 5 बेडरूम आपको अटैच वाशरूम के साथ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस बेडरूम का अगर रिव्यू दिखाएं आपको, तो ये वाला बेडरूम है, इसमें आपको जनाब ऊपर वाली साइड के ऊपर सेम एलसीडीज जो है वो कबर्ड मिलेगी, और इसी के साथ जनाब वो स्पेस के लिए ये वाला एरिया मिल जाएगा, साथ इसके अटैच वाशरूम, ठीक है। सेम एज इज अब ऊपर वाले पोर्शन में जो आपको दिखाने वाले हैं, ऊपर वाले पोर्शन में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट दिखेंगे, इतनी बड़ी कबर्ड यहाँ पर बनाई गई है, ये देखें जरा, ये चेक करें, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 5 स्पेस की इसमें जो है वो कबर्ड आपको मिलने वाली। मोस्टली होती है, अगर आपको इतराज़ होता है कि जनाब हमारी जो स्पेस है वो कम है, ठीक है, तो इसमें बेशुमार आपको जिस कबर्ड में है वो स्पेस मिलने वाली है, ठीक है। और साथ ही इसके अटैच वाशरूम अगर आपको दिखा दें, वाशरूम की क्वालिटीज आप चेक कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप कोई घर सेल करना चाहते हैं या कोई घर खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। DM प्रॉपर्टी सेंटर आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर है। सेम इसी तरह दूसरे बेडरूम में भी आपको वही 1, 2, 3,
4 एंड 5, ठीक है। पूरी दीवार के ऊपर, एक एक पूरी पूरी दीवार के ऊपर आपको यहाँ पर अलमारियाँ जो है वो बना के दी जा रही हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये अटैच वॉशरूम चेक करें, वॉशरूम का साइज चेक करें, क्वालिटी चेक करें।